बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री करीब महीने भर से विवादों में हैं। पहले कथा छोड़कर भागने के आरोप लगे, फिर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगाए गए, FIR दर्ज करवाई गई और तमाम तरह के आरोप मढ़ दिए गए। लेकिन पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने हर एक आरोप को खारिज किया और साथ मिला पुलिस का, जिसने जाँच की और पाया कि उन्होंने कोई भी किसी भी तरह का अंधविश्वास नहीं फैलाया। रामचरितमानस को बैन करवाने वाले और अपने गुर्गों से रामचरितमानस की प्रतियां जलवाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी खूब भला बुरा कहा, लेकिन हासिल कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद धीरेंद्र शास्त्री ने खुद सामने आकर कहा और बताया कि उन्होंने जब से घर वापसी का अभियान छेड़ा है, तब से ईसाई मिशनरियों का गैंग और लव जिहादी गैंग उन पर निशाना साधने में जुटा है। लेकिन अब एक बार फिर से पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी शक्तियों को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है, आज उसी पर बात करेंगे। नमस्कार, NMF न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सुर्खियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। लोगों के बताए बिना ही उनके बारे में सारी जानकारी हासिल करने का दावा करने वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री का विरोध भी उनकी सुर्खियों के साथ जारी है। वहीं पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने लोगों का भविष्य बताने या कई तरह के चमत्कार करने को लेकर कहा है कि मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं चमत्कारी हूँ। हम कोई ईश्वर नहीं, कोई महात्मा नहीं, हमारी सिर्फ अपने ईष्ट के प्रति आस्था, ऋषि परंपरा के प्रति आस्था है। इस महिमा का हम अनुकरण करते हैं और उस आस्था से हमें रास्ता मिल जाता है, तो लोग चाहें इसे जो नाम दें। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री को घेरने के लिए, इस आभास के लिए भी तमाम माइंड रीडर्स को टेलीविजन पर बिठा दिया गया। बताया गया कि जो धीरेंद्र शास्त्री कर रहे हैं वो कोई भी कर सकता है, बल्कि लोग करते हैं। सबने अपने अपने हुनर दिखाए, लेकिन वो नहीं कर पाए जो धीरेंद्र शास्त्री करते हैं। बागेश्वर धाम आने से लोगों का इलाज हो जाता है तो फिर कैंसर हॉस्पिटल बनाने की जरूरत क्या थी? इस सवाल पर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, हम यही बताना चाहते हैं कि दुआ और दवा दोनों जरूरी है। हमने ये नहीं कहा कि हम डॉक्टरों के खिलाफ हैं, दुआ और दवा दोनों हमारी परंपरा में शामिल है। हमने इससे पहले मंदिर के पास औषधालय खुलवाया है, वहाँ पर ग्राम पंचायत का भवन है जहाँ आयुर्वेदिक औषधालय बना है, नीचे दवा है और वहाँ ठीक नहीं हुए तो दुआ के लिए मंदिर पर चढ़ जाओ। हमने कोई भी प्रचार नहीं किया। डॉक्टर ऐड करते हैं, वो ऑपरेशन करते हैं, जब मरीज फिर भी ठीक नहीं होते तो कहते हैं कि प्रार्थना करो। यहाँ धीरेंद्र शास्त्री पर उन्हें मिलने वाले दान पर भी सवाल पूछे गए। अक्सर उन पर लोगों से ठगी करने का भी आरोप लगाते आए हैं, तो इस आरोप पर भी धीरेंद्र शास्त्री मुखर होकर बोलते हुए नजर आए। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि वो अपने दरबार में बैनर लगवाकर और माइक पर भी लोगों को बताते हैं कि उनके यहाँ किसी तरह की कोई फीस नहीं लगती। उन्होंने कहा कि हालांकि कई बार उनके शिष्य उन्हें गुरु परंपरा के नाम पर दान देते हैं, भक्तों से मकान, फ्लैट, घोड़ा, गाड़ी मांगने के बारे में कहा कि हम भक्तों से दक्षिणा लेते हैं और वो लेना बुरा नहीं है। उपयोगिता अच्छी या बुरी है कि हम उसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग। अगर कोई कुछ देता है तो हम गुरु होने के नाते उसे स्वीकार करते हैं। हम उस परंपरा से हैं जहां गुरु को अंगूठा तक दान में दे दिया जाता है। अगर कोई अपने को मेरा शिष्य मानता है, हम उसके गुरु हैं, तो गुरु शिष्य परंपरा के नाते हमें कुछ भी दे। धीरेंद्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की अपनी मांग एक बार फिर दोहराई और कहा कि एक बार हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाने के बाद हम अखंड भारत मांग लेंगे। जब उनसे कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की इजाजत नहीं है, शास्त्री ने इसके जवाब में कहा, सुप्रीम कोर्ट के प्रति हमारा आदर है, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र था और है, अब बस घोषणा कीजिए। धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी कमाई को लेकर कहा कि हमारी कोई फिक्स कमाई नहीं होती, क्योंकि हमारी कोई कंपनी या बिजनेस नहीं है। कोई चढ़ा जाता है, हमारे पास करोड़ों सनातनियों का प्यार है, लाखों करोड़ों की दुआ है, हजारों संतों का आशीर्वाद है, जितने सनातनी हैं उतनी कमाई है, आप लोग हिसाब लगा लीजिए। वहीं इससे पहले धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि जब से हमने घर वापसी कराई तभी हमने कह दिया था कि मेरे ऊपर आरोप लगने वाले हैं, ये आग सनातन की बुझने मत देना, गुरु कृपा से हमें आभास है,
भय होता तो चुप हो जाते, लेकिन आभास है जो आरोप लगे हैं। गुरु प्रेरणा हमें बता रही है कि बहुत जल्दी लोग हमें रास्ते से हटाने का काम करेंगे। उन्होंने आगे कहा था कि हमारे साथ 100 करोड़ हिंदू और बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद है। हम कभी कानून का उल्लंघन नहीं करते। सरकार ने व्यवस्था भी दी कैंसर अस्पताल पर, उन्होंने कहा। बागेश्वर धाम में पहले मंदिर बन रहा था, लेकिन अब वहां मंदिर की जगह कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण होगा। 400 करोड़ रुपए के सवाल पर उन्होंने कहा कि सनातनियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दान दक्षिणा हम लेते नहीं हैं। वहीं इससे पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि सनातन के ऊपर उंगली उठाई जाएगी तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सांच को आंच नहीं, जब तक जिएंगे सनातन की बात करेंगे। उन्होंने आगे कहा था कि सारे हिंदू एक हो जाओ। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, उनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम आज कहते हैं तुम मेरा साथ दो तुम्हें हम हिंदू राष्ट्र देंगे। गौरतलब है कि बागेश्वर धाम सरकार को नागपुर में अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की तरफ से चुनौती दी गई थी। इस पर देश भर में बवाल मचा था। हिंदू संगठनों ने भी अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के प्रमुख श्याम मानव का पुतला दहन किया था। धीरेन्द्र शास्त्री ने रामपुर में दिव्य दरबार में श्याम मानव को आमंत्रण दिया था। उन्होंने चुनौती स्वीकार करते हुए किराए का खर्चा भी उठाने की बात कही थी, लेकिन वो बागेश्वर धाम के दरबार में नहीं पहुंच पाए थे। तब से मामला देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप धीरेन्द्र शास्त्री के इन जवाबों पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। कोई बंद कमरे का दरबार नहीं है, उनको सामना करना चाहिए। हमारा मुंह फट अपने कैमरे पर कोई भी चैलेंज कर सकता है। लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग हमारे सामने दरबार बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठते हैं। वो आए, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है, उनको आना चाहिए। 8 तारीख को पहले बाकी जो वीडियोज उपलब्ध है उसके आधार पर, और 10 तारीख को नागपुर में जो उनके दरबार भरे और प्रेत दरबार भरे उनके वीडियोज के आधार पर ये शिकायतें की है, तो नागपुर पुलिस ने सीधे सीधे इसके लिए उनको बुक करना चाहिए, FIR दाखिल करना चाहिए और आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। छवि हमारी खराब की है, हमारे बागेश्वर धाम के पागल लगे हुए हैं। नागपुर में ही हमारा बागेश्वर धाम से संबंध लगा हुआ है और जो आए दिन उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, और भारत का प्रत्येक सनातनी व्यक्ति भी अब जवाब दे रहा है, और उन सबको बाइकआउट किया जाएगा जो जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा। उन्हें दरबार में आना चाहिए, किराया खर्चा हमसे ले लें, हम गीला करके भेजेंगे उन्हें वापस। रामकथा के विरोध में तो हमारा कोई कहना नहीं, हमको अधिकार भी नहीं है।